style. Style is the answer to everything. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं सपना आप सबका आपके अपने चैनल लवना फ्लॉग विद सपना में स्वागत करती हूं। तो आज है विश्वकर्मा पूजा, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी विश्वकर्मा। और आगे की वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, मैं मिलूंगी थोड़ी देर बाद में। तो गाइस, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने घर की थोड़ी सी एक्स्ट्रा सफाई की थी, तो फिर वही मेरे हस्बैंड ने जल्दी से नहा लिया था पहले। और ये देख सकते हैं, 8 साल हो गए मेरी शादी के और पहली बार ये देखो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो बोल रहे थे पकौड़ियाँ बनाओ, लेकिन मुझे हो रहा गया था लेट काम करते करते और बाथरूम भी साफ करना था। तो फिर जब मैं बाथरूम से निकली तो देखा ये लगे पड़े हुए हैं, और सही कसम से बता रही हूँ पहली बार इन्होंने ये किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए कैसे फेंट रहे हैं, बेसन और प्याज भी कट किया हुआ था वो भी इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा मिलाया था गेहूं का आटा बेसन में, क्योंकि जब सिर्फ बेसन की पकौड़ियाँ बनाओ तो थोड़ा सा पता नहीं अजीब सी लगती हैं, अगर थोड़ा सा वो मिला लेते हैं गेहूँ का आटा तो फिर खाने में ज़्यादा ही टेस्टी लगती हैं। तो वही यहाँ पे कर रहे थे, और चाय भी इन्होंने रखी थी एक तरफ, तो चाय भी बन के रेडी थी, बस दूध डालना बाकी था। उसके बाद मैं लेकर आई यहाँ पर दूध, मैंने डाला चाय में दूध, और उसके बाद मैं पकौड़ियाँ यहाँ पे डाल रही थी, और फिर इन्होंने बैठे बैठे निकाला क्योंकि बारिश हो रही थी तो शॉप पर जाने का भी कोई जल्दी नहीं था, तो आराम से हम लोग बातें कर करके बना रहे थे। अच्छा लगता है जब इस तरीके से हस्बैंड साथ में होते हैं और थोड़ी सी हेल्प करते हैं, शायद सबको अच्छा लगता होगा। ये देखिए एक बार की बनके हो गई है रेडी, इन्होंने निकाला और मैंने ना जैसे कर रहे थे बस वैसे ही डाल दिया है, मैंने कुछ इसको हाई स्पीड में भी नहीं किया है और नॉर्मल है। ये देखिए कितने धीरे धीरे आराम से निकाल रहे हैं, पहली बार इन्होंने इतनी, मतलब 8 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, पहली बार किया। चाय तो कभी कभी बना लेते हैं, जब भी लेट होता है तो बना लेते हैं, अगर पहले रेडी हो जाते हैं तो, वरना मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन के हो गई हैं रेडी, और बहुत सारे आजकल तो सारे हस्बैंड आई थिंक करवा लेते हैं कुछ ना कुछ काम, बस कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ये सब नहीं करते। और ये देखिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, देख सकते हैं मेरा हाथ दिख रहा है, मैंने बैक कैमरे से थोड़ा सा कैप्चर किया हुआ था और इन्होंने निकाला था। ये देखिए और उधर मेरी चाय भी बन गई है, और इसके बाद हम लोग खाएंगे बैठ के साथ में, और बाहर बैठी हैं सासू माँ, तो उनके लिए भी मैं बोल रही थी तब तक देख के आओ, तब तक मैं ये वाली निकाल रही हूँ, तो फिर उनके लिए भी भिजवाई, नहीं घर पे आई थी हाँ बाहर थी, फिर इन्होंने बुलाया तो फिर वही खाई हुई थी साथ में। का टाइम जब मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ छत पे, और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है तो फिर आंखें नहीं खुल रही हैं सही से, और कल मैंने की थी अपने सर में ऑयलिंग, बहुत ज़्यादा ऑयल लगा है आप लोग देख सकते हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो बताइएगा कमेंट में, और पहली बार मेरे हस्बैंड ने बनाई मेरे लिए पकौड़ियाँ, तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।